देहरादून का महज 18 महीने का जैसर दूसरी मंजिल से गिरकर चोटिल हो गया था, जिसके बाद बच्चा कोमा में चला गया। जैसर को सिर में गंभीर चोट लगी थी। चोट लगने की वजह से जैसर को ब्रेन हेमरेज हो गया था, जो बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। दुर्घटना के तुरंत बाद घायल बच्चे को परिजनों ने देहरादून के CMI में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को क्रिटिकल बताते हुए कहीं और ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद बच्चे को आनन फानन में पास के ही कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहां जैसर को 2.5 महीने तक रखकर जैसर का उपचार करते रहे। दिनांक 26 सितंबर को कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकुल ने अपने निरीक्षण में टीम गठित कर शंट ऑपरेशन करने का फैसला लिया। ये ऑपरेशन 2.5 घंटों में समाप्त हुआ, लेकिन बच्चे की कम उम्र होने की वजह से डॉक्टरों के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं था। कारण, ऐसी स्थिति में बच्चे को संक्रामक रोग होने की अधिक संभावनाएं होती हैं, लेकिन डॉक्टर अंकुर ने अपनी सूझबूझ से सफल ऑपरेशन कर बच्चे को मौत के मुंह से बाहर निकालने में कामयाब रहे। वहीं 2.5 महीने लंबा ट्रीटमेंट के बाद कैलाश हॉस्पिटल ने जैसर को डिस्चार्ज कर एक और कीर्तिमान अपने हॉस्पिटल के नाम कर लिया है, जो कि इतिहास बनाने जैसा है। केवल 18 महीने की उम्र का कोमा की स्थिति में प्रेजेंट किए, जब बच्चा अस्पताल में लाया गया तब वह स्वयं सांस लेने में सक्षम नहीं थे। ICU की टीम द्वारा तुरंत बच्चे को सांस की ट्यूब डाली गई एवं ICU में वेंटिलेटर पर लिया गया। छोटी उम्र के कारण गहरे कोमा की स्थिति में इतनी सब चोट के साथ यह बहुत जोखिम भरी स्थिति थी। पहले इस तरह के ऑपरेशन हम कर चुके हैं। इन ऑपरेशन में खतरा इसीलिए होता है कि यह बालक काफ़ी कम उम्र के होते हैं। खून निकल जाने से जल्दी शरीर में खून की कमी हो सकती है, इसलिए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसमें अच्छा ये भी रहा कि बच्चे की फैमिली ने सपोर्ट किया और इतने लंबे समय अस्पताल में रहने पर भी अस्पताल में विश्वास दिखाया, हम उनके लिए आभारी हैं। जब भी कोमा की डीप स्थिति होती है जिसमें केवल 20-30% दिमाग की एक्टिविटी हो, तब हर ऑपरेशन जोखिम भरा होता है। जब भी कोई ऑपरेशन जोखिम भरा हो जाएगा अगर बच्चा कोमा की स्थिति में है। अधिकतर ऐसी चोट लगने के पश्चात बच्चे 6 महीने से 1 साल पर प्रेजेंट करते हैं, तब इतना जोखिम नहीं होता एवं ऑपरेशन किया जा सकता है। लेकिन दिमाग में विभिन्न प्रकार की चोट लगने से डीप कोमा की स्थिति में इस ऑपरेशन में जोखिम बहुत होता है। खर्चा ऑपरेशन का तो सेम होता है, लेकिन ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चा कितने दिन ICU में रहेगा तथा कितना समय उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। छाती में एवं अलग अलग शरीर के हिस्सों में इन्फेक्शन आ जाने पर उसको कौन सी एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी और वो कितने दिन देनी पड़ेगी, यही निर्धारित करता है कि फाइनल खर्चा कितना हो सकता है। ऑपरेशन करीब 1.5 से 2 घंटे के लिए चला। इससे पहले मैं ऑपरेशन ये वाले कर चुका हूँ। ऑफकोर्स ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए क्योंकि दिमाग में 5 तरह की अलग अलग चोट थी और इतनी गहरी कोमा की स्थिति के बाद होश में आने में अधिकतर इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। No, actually we are in terrace, so he was playing with some monk, so at that time he fall down and we take him to the CMI and they told us to refer to the Kailash hospital. So no, at that time we wait only around 15 minutes, but as compared with that I think Kailash is good. Yeah, obviously if you ask me percentage wise, then obviously the neurologist, the pediatrics and all the doctors, I think 100 out of 100, the way they care, the way they support and the way, so I think all are very good. So just because of the doctors and all the teams, he is now in front of you, he is fine. Yeah, obviously, that's why I care, I'm here. देहरादून से श्रमिक मंच के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।